हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और आज हम स्नो रनर का मैं एक और गेम प्ले लेके आया हूँ आप सबके लिए। और आज के गेम प्ले में जो है वो हम कुछ रोड क्लियरेंस वाला काम करेंगे। बेसिकली रोड क्लियरेंस तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज मेरा प्लान बन रहा है कि हम जो है वो एक ब्रिज रिपेयर कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, अरे किधर गया, ये वाला जो ब्रिज है इसको हमने रिपेयर करना है। अब इससे पहले कि हम वहाँ पे जाएं और हमें पता चले कि हमें वहाँ पे जो है वो लकड़ी के पैलेट्स चाहिए, मतलब कि वुड पैलेट्स चाहिए, तो हम खुद ही जो है वो जाके ले आते हैं वो पहले। तो पता नहीं अब वहाँ पे जाके हमें सिर्फ लकड़ी के पैलेट्स ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए, लेकिन मोस्ट लाइकली लकड़ी के पैलेट्स चाहिए क्योंकि वो वुड का जो है वो ब्रिज है। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ जी सीधा यहाँ से ड्राइव करता हुआ लंबर मिल पे या सा मिल जो भी है, और वहाँ पे जाके जो है वो हम इस ट्रक में लोड करने वाले हैं दो वुड के पैलेट्स, और फिर जो है वो हम वो वुड पैलेट्स यूज़ करते हुए उस ब्रिज को जो है वो रिपेयर करेंगे। तो हम मोस्ट लाइकली यही ट्रक जो है वो यूज़ करने वाले हैं। मैंने सोचा है क्या फ़ायदा हम पहले जो है वो एक स्काउट ट्रक वहाँ पर लेके जाएँ और फिर हमें पता चले। तो मैं अपनी तरफ से ज्यूम करके चल रहा हूँ कि यही दो मतलब कि हमें चीज़ें चाहिए, सिर्फ दो वुड पैलेट्स जो हैं वही हमें चाहिए और उनसे जो है हमारा काम बन जाए, वुड प्लांक्स या जो भी है। तो अभी हम सिंपल सिंपल सा ये रास्ता फॉलो करते हुए हमने जाना है जी सीधा लंबर मिल पे या सा मिल पे। वैसे है क्या ये नाम जी लंबर मिल ही है, मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि बाद में यू नो फायदे कि हमें सारे गेम प्ले में जो है वो जगह का नाम ही गलत लेता है फिर। तो ठीक है भाई, अच्छा पता नहीं क्यों लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये ट्रक यहाँ पे खुद ही फंस गया था, और ऐसा गंदे वाला फंसा था कि वो मुझे ना फिर लिटरली विंच डाल के इसको निकालना पड़ा इसी प्लेन रोड पर। तो मैं अभी देख रहा था कि ये यहाँ पर अभी फंसता है या नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चुप कर गया। वो अभी बाकी जो है वो रास्ता यहाँ से आगे तो वो सिंपली क्लियर सा रास्ता है, आसान सा, बड़ी स्पीडी मतलब के रूट है हमारा, लेकिन जब हम वापसी पे आएंगे तब थोड़ा सा जगह में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो हमने जो पावर लाइन वाला रोड है वो हमने ऑलरेडी रिपेयर कर रखा है पावर लाइन्स को, तो उसमें तो हमें शायद इतनी प्रॉब्लम ना आए क्योंकि हमारा वो अच्छा खासा जो है वो एक किस्म का शॉर्टकट बन जाना है। बाकी उससे आगे जो है वो एक फ्यूल स्टेशन आता है, वहाँ से हमें जो है वो एक थोड़ा सा लंबा वाला रास्ता लेना पड़ेगा। और फिलहाल अरे 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 इस तरफ से हम जो है वो जल्दी पहुँच सकते हैं लंबर मिल पे, या इसके कि हम दूसरा रास्ता यूज़ करें। इसके ऊपर मेरे ख्याल से दो पैलेट्स जो हैं वो बड़े ईजीली आ सकते हैं। मैंने सोचा यार काफ़ी दिन हो गए, अरे यार मैंने सोचा यार काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने जो है वो स्नो रनर का कोई गेम प्ले ही नहीं अपलोड किया, तो आज जो है वो स्नो रनर की बारी है। तो यहाँ से केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, ऑलरेडी इंजन जो है वो मैं डैमेज करवा चुका हूँ। अच्छा आई एम ग्लैड कि इस ट्रक की स्पीड काफ़ी अच्छी है और शायद ये हाई स्पीड की वजह से जो है वो इसको डैमेज भी मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। और एज़ यूजुअल मैं ये गेम अपने स्टीयरिंग व्हील पे प्ले कर रहा हूँ जस्ट इन केस, क्या अगर आप वंडर कर रहे हैं। अरे यार अभी मेरा ना यहाँ पे लाइट का सेटअप होने वाला है, तो जैसे ही वो होता है फिर जो है वो हैंड कैम ऐड किया करेंगे स्टीयरिंग व्हील का, लेकिन तब तक के लिए जो है इसको ऐसे ही हमारा सेटअप जो है वो चलाना पड़ेगा। तो ये आ गए हैं जी हम यहाँ पर लंबर मिल के ऊपर, और यहाँ पे हम करते हैं जी कार्गो को मैनेज। तो ये आ गया है जी हमारे पास वुड के पैलेट, आई जस्ट होप के दो से हमारा काम बन जाए, इससे ज़्यादा ना मंगवाने पड़ जाए मतलब यूज़ करने पड़ जाए। ये मोस्ट लाइकली इतने में बन जाएगा हमारा काम, इतने भी आप देखते हो ना क्या करना, बेसिकली एक टास्क ही है। अभी हम वहाँ यहाँ से हम वैसे ही सिंपली तो जो है वो ड्राइव करते हुए चलते हैं वापस ब्रिज के ऊपर, और फिर वहाँ से हम जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जब जाएंगे फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं बाकी की वीडियो।
ओके जी गाइस, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जी ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पे अभी हमने लेना है जी ये वाला लेफ्ट। तो ये वही रोड है, अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो है वो पावर लाइंस फिक्स की थी, वो जो खम्बा था वो गिरा पड़ा था इस रोड के ऊपर, तो उसको हमने रिपेयर किया था। तो अभी ये देखना मतलब कि ये कितना भी लाइफ सेविंग है, अगर मैंने ये रिपेयर ना किया होता तो मुझे वो ऊपर से जो है वो फार्म के ऊपर से होते हुए जाना पड़ना था, लेकिन अब मैंने ये रिपेयर कर रखा है तो काफ़ी ज़्यादा। अरे शिट यार, ये इतने सॉलिड होते हैं, ओ माय गॉड, अभी इस ट्रक का तो मैंने सत्यानाश कर दिया है बातों ही बातों में। मुझे नहीं पता था यार ये इतने सॉलिड होंगे, ओए होए होए होए, बहुत डैमेज दे दिया यार मैंने इस ट्रक को शिट, मतलब मैं बड़ा सुकून से चला रहा था कि कोई नहीं इतना इशू, लेकिन सच अ डम मिस्टेक। तो असल में इसमें ना बार बार गाड़ी जो है वो टिल्ट करती रहती है, पता नहीं ये इसकी फिजिक्स ही ऐसी है या क्या मसला है। तो मुझे लगा था कि वो बिल्कुल मुड़ जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी टिल्ट करके उसके ऊपर ही चढ़ गई, तो नॉट गुड थिंग। इतना ज़्यादा डैमेज, इवन दो कि मतलब कि कोई ज़्यादा इसका असर तो नहीं होने वाला इस बाकी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी वो एक रियलिस्टिक गेम प्ले एस्थेटिक्स को देखते हुए तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है ना, ये कि हमने इतना फ्री में डैमेज जो है वो दे दिया। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं जी मैप, अभी हमने जाना है, ओके एक लेफ्ट यहाँ से लेना है हमने, क्या हो गया इसको, अच्छा ठीक है, मैं सोच रहा पता नहीं मैं बोल पर पता नहीं ट्रक को क्या हो गया, वो उसका जो है वो गियर न्यूट्रल हुआ पड़ा था। तो एक ये लेफ्ट ले लिया हमने यहाँ से, और एक अभी हमने थोड़ा सा आगे जाके दोबारा वापस से लेफ्ट लेना है। तो अभी यहाँ पे जो है वो मैं ध्यान से चलाता हूँ, पता नहीं क्या मसला है इस ट्रक का, कि सस्पेंशन का इशू है, ये ना हाई स्पीड पे ऐसे उबड़ खबड़ रास्तों पे इसको फ्री में डैमेज हो रहा है। हमने भी देखा था जब हम लंबर मिल पे जा रहे थे तो कितने सुकून से ये डैमेज ले रहा था, लाइक इसको इतना लेना नहीं चाहिए था, बट अगेन हो सकता है इसलिए क्योंकि ये बेसिकली हाईवे ट्रक है और हम इसको ऑफ रोडिंग में यूज़ कर रहे हैं, और एस ये तो हो गया ना। अरे अरे अभी दरख्त के ऊपर मैं चढ़ जाए, थोड़ा सा इंटरनल कैमरा फर्स्ट पर्सन कैमरा में यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि आगे से कुछ जो है वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा। ये डोगू का स्टैचू देखो कैसे उसकी गर्दन हिल रही है यहाँ पे सो क्यूट। तो यहाँ पे ठीक है जी, अरे देखा ये जो अगेन अभी मैं थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था कि ये जोड़ा थोड़ा सा टिल्ट करता रहता है, और जी अटकने की बारी आ गई है इसकी शायद यहाँ पे। ओ भाई निकल आया, अभी तक जो है वो मैं टू व्हील ड्राइव पे जो है वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन इस इधर आके इसने बोला नहीं भाई ऑल व्हील ड्राइव पे करो, सो पहले मेरे ख्याल से फ्रंट व्हील ड्राइव पे था। चलो कोई नहीं, यहाँ से अभी कौन सा हमारा इतना तो रास्ता रह गया थोड़ा सा ही तो है, वो अभी हमने बड़े सुकून से यहाँ से कवर कर लेना। तो ऑलमोस्ट हम जो है वो पहुँच ही चुके हैं। अरे रे रे रे, ये बड़ा कोई गंदा सा रास्ता बना पड़ा है यहाँ पे, शिट बहुत ही गंदी सी कोई खाई सी बनी हुई थी यहाँ पे। तो लो जी वो रहा हमारा सामने ब्रिज, और वहीं पे हमने जाना है और ये चीज़ें अनलोड करनी है। आई जस्ट होप कि जो हम चीज़ें लेके आए हैं इनसे ही हमारा काम बन जाए, वापस ना ही जाना पड़े हमें कोई दोबारा चीज़ नहीं हो लेने के लिए। लो जी ये हो गया है जी हमारा टास्क कंप्लीट, और ये हमने ब्रिज जो है वो रिपेयर कर लिया है यहाँ पे, विच इज़ गुड, इवन दो कि हमने इस पूरे सिनेरियो में अपने ट्रक को जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाया, लेकिन एट दी एंड
हमने ये ब्रिज कंप्लीट कर लिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो ड्राइव करके देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। हालांकि थोड़ी सी जो है ना ये मड देखने आप कितनी डीप किस्म की बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम जो है वो इसको ड्राइव तो करेंगे ही नहीं यहाँ पे। ये चीज़ ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे अभी अभी घर के सामने से एक हवाई जहाज़ गुजर के गया है, जस्ट किडिंग, कोई बाइक वाला था, पता नहीं उसने कोई सिलेंसर उतार के रखा है। तो हमारे पाकिस्तान और इंडियंस को ये बड़ी प्रॉब्लम है, सिलेंसर उतार के जो है वो ड्राइव करते हैं। अच्छा खैर, फजूल बातें छोड़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।